हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तारकिशोर यादव। आज हम सेशन में फ़ोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। फ़ोटोशॉप के अंतर्गत हम मार्केट टूल का यूज़ कैसे कर पाते हैं, चलिए देखा जाए और उसके फीचर्स को समझा जाए। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ टास्क बार पर ही ये आइकन अवेलेबल है, और अगर किसी को यहाँ ना मिले तो स्टार्ट पर जाकर ऑल ऐप्स में जाकर और आसानी से एडोब फोटोशॉप एक कैटेगरीज में सर्च कर सकता है। जैसे एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा आपका जो भी एक्टिवेशन है वगैरह वो सब यूज़ करके खुल जाता है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अभी देखिए ये एडोब फोटोशॉप हमारा खुल चुका है, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप में मार्केट टूल यहाँ अवेलेबल है, ठीक। ये टूल बॉक्स है, इसे विंडोज ऑप्शन से लाया और हटाया जा सकता है। मार्केट टूल का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लेयर चाहिए, हम डबल क्लिक कर एक फोटो, कोई भी एक फ़ोटो जेन्युइन, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं, फिर अगर इसको अपने पोजीशन में लाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन इसका हम बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये मार्केट टूल है। मार्केट टूल में चार ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है रेक्टेंगल मार्केट टूल, सेकेंड होता है एलिप्टिकल मार्केट टूल, थर्ड होता है सिंगल रोम मार्केट टूल और फोर्थ होता है सिंगल कॉलम मार्केट टूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल मार्केट टूल। ध्यान देंगे, किसी भी मार्केट टूल को लेंगे उसके साथ ये सारे ऊपर की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये सब एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो हम मार्केट टूल का कोई भी मार्केट टूल यूज़ करें, चाहे रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, इसके साथ ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल मार्केट टूल चुना है। सपोज़ कीजिए कि हमें क्या करना है कि हमें ये स्कूल बिल्डिंग लेनी है, तो हम ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसको बाहर अगर फिर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नई सिलेक्शन बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इस प्रॉपर्टीज़ में न्यू सिलेक्शन सेलेक्टेड है। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है कि हर बार आप एक नया सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए मुझे इस बिल्डिंग के ये तीन जो है कि अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तीन विंडो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तीन घड़ियाँ सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अगर हमने न्यू सिलेक्शन ले रखा है तो अगर हम फिर न्यू सिलेक्शन करेंगे तो ये हट जाएगा। अब हम यहाँ से चले जाएंगे ऐड सिलेक्शन पर। जैसे ही ऐड टू सिलेक्शन पर जाएंगे तो वो पिछला हटेगा भी नहीं और ये एक नया सिलेक्शन उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है मार्केट टूल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके और फिर आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए सभी में ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट में है इंटरसेक्ट पोर्शन, ठीक है, चीज़ों को इंटरसेक्ट कर देता है। इन सभी में जो भी मिलता जुलता होगा उसमें से वो इंटरसेक्ट कर देगा। देखिए सब अलग अलग हैं, इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ये दोनों पोर्शन मिल रहे हैं, इसलिए दोनों में से ये इंटरसेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये मार्केट टूल है, ठीक है। मार्केट टूल का बेसिकली यूज़ हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। नाउ अब बात करेंगे कि इसमें फीडर ऑप्शन क्या यूज़ करता है। देखिए अगर हम मार्केट टूल की इस ऑप्शन का यूज़ करके बिना फीडर को सेलेक्ट किए अगर हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक नई लेयर ले लेते हैं और अगर हम उसमें कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट करके एडिट से कॉपी किया, ठीक है, फिर एडिट से अब हम इस लेयर पर सेलेक्ट करके एडिट से पेस्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा यहाँ पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेकर आते हैं। यहाँ देखिए इसके जो एजेस हैं,
वो एकदम सॉफ्ट है, जिसके यहाँ एकदम सॉफ्ट है, दिख रहे हैं आपको चारों तरफ एकदम डार्क एजेस है, मतलब ये राउंडेड एकदम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, एक नया स्लाइड लेकर, ठीक है, एक नया लेयर लेकर इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे कि स्मार्की टूल पर जाएंगे और फीडर को 15 कर देंगे, 15 पिक्सल्स का फीडर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, फिर ये सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। अभी देखिए, सबसे पहले तो ये राउंड शेप में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसी पर है, ठीक है, थोड़ा सा फीदर लेंगे तो उसका कर्व घूम जाता है, राउंड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एडिट से जाएंगे, कॉपी कर लेंगे और अपनी लेयर जो सेलेक्ट की थी उस पर क्या जाएंगे, एडिट करके पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए क्या हुआ, इसको हटा देते हैं, सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ओपेसिटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बट ये फिगर जो है हमारा मिक्सिंग टाइप का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पैच हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हमारी ये बैकग्राउंड है, देखिए इसमें ये ऐसे मिक्सअप, मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दो चार लेयर्स को आपस में मिक्स करना होता है तब इसका काम किया जाता है, तो ये फीदर का वर्क था। फिर आगे चलेंगे आप, तो ये नॉर्मल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट करते रहते हैं, हमें एलिप्टिकल सिलेक्शन करना है, डायरेक्टली सेलेक्ट करते रहते हैं। बट अगर हमने एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर दिया सपोज दीजिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना विड्थ, कितना हाइट, कितने पिक्सल का। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, एक समान बढ़ेगा, एक समान बढ़ेगा, ना आगे पीछे कुछ नहीं होगा, एक समान बढ़ेगा। फिर अगर हमें फिक्स साइज का चाहिए, तो देखिए 64x64 पिक्सल का है, ये फिक्स साइज है, ये बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो मार्केट टूल की, ठीक है, थैंक यू।